रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन, वार्ड नंबर 13 ओल्ड न्यू वार्ड नंबर 16 गुलशन अरफात कॉलोनी से, सोसाइटी का प्रेसिडेंट गुलशन अरफात सोशल वेलफेयर माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटी का प्रेसिडेंट। हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम इसलिए रखा है क्योंकि ये वर्क स्टार्ट हो चुका है, डेवलपमेंट का वर्क स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन 20 सितंबर 2020 को हमने एक मीडिया कवरेज कराया था जिसके अंदर हमने MLA MP जो भी लीडर हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे हमारे कॉलोनी के रोडों के हालात का जायज़ा लें आकर, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था। उसके 2 माह बाद जनाब फराजुल इस्लाम साहब ने हमारे सोसाइटी ऑफिस को विज़िट किया और एरिया का सर्वे किया। उन्होंने हमको ये इतना यकीन दिलाया था कि इंशाल्लाह आपके एरिया का काम जल्द से जल्द स्टार्ट होगा, बल्कि हमको यकीन दिलाया था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने जो बात रखी थी उस पर अपना पूरा ये कर दिए और वर्क स्टार्ट कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम एरिया वाले इस काम को लेकर बहुत खुश हैं। हमारे एरिया के लिए 2 करोड़ का पैकेज सेंक्शन कराया, हम इस पैकेज को लेकर बहुत ही खुश हैं और हम तमाम एरिया वाले उनको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे, जनाब फराजुल इस्लाम साहब का भी और मोहतरमा MLA कनीस फातिमा साहिबा का भी, आदिल सुलेमान से एक्स मेयर अहमद साहब का, फातिया खानी का और दीगर जो भी हमको सपोर्ट किया है, और ख़ास तौर पे हम मीडिया वालों का खास कर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अकबर अली शेख, रिहायशी गुलशन अरफात कॉलोनी। हमारे सदर साहब मोहम्मद सिराजुद्दीन और नायब सदर साहब मोहम्मद मुबीन, इन तमाम की कोशिश और यहाँ के महल वालों की तमाम कोशिशों के बाद कुछ अरसे कबल MLA साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया था यहाँ के डेवलपमेंट के ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह उसको कबूल करते हुए यहाँ का डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। इसीलिए मैं गुलशन अरफात सोशल वेलफेयर माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब और नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट साहब और तमाम महल वालों का और MLA साहबा और फराजुल इस्लाम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू किए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये काम तकमील को पहुँचेगा। उम्मीद करता हूँ कि रोड के साथ साथ ओपन ड्रेन का भी काम होगा और इसी तरह आगे भी इस महल के तरक्की के लिए हमको लीडरों से और मीडिया वालों से और इस महल के लोगों से तावन मिलता रहेगा, मैं उम्मीद करते हुए। कल से प्रॉब्लम था यहाँ का रोड का ड्रेनेज का, ये तकरीबन 10 से 12 साल से था ये प्रॉब्लम। रहमतुल्लाहि बरकातहू। गुलशन अरफात वेलफेयर माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटी, जो सोसाइटी कायम करने का मकसद ये है कि अतराफ गुलशन अरफात और अतराफ के एरिया का डेवलपमेंट करने का, ये मकसद के लिए ही गुलशन वेलफेयर एसोसिएशन ये सोसाइटी जो कायम करें, और इसके तहत तकरीबन और तमाम काम भी होते हुए साथ में रोड और ड्रेनेज का उनका ये भी काम हुआ है, और इसकी नुमाइंदगी के लिए मैं दिल की गहराई से सदर और उनके अरकान को मुबारकबाद देता हूँ, और ये और आइंदा भी इनको करेंगे और हमारा हमेशा हमारी भी तंजीम है, हमेशा हमारी तंजीम भी इनका साथ देंगे और आज भी देते हैं और कल भी। मैं डाला था कि ये सोसाइटी जो मकसद जो काम कर रही है बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, और इसको हम इनके हाथ मजबूत करना हमारा और हमारा गुलशन अरफात कॉलोनी के हर फर्द का काम ड्यूटी है, और हमेशा हम इनके साथ में रहेंगे।